ये देखिए आपको यहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, 4,000 का ट्रैफिक अभी देखने को मिल रहा है। अगर अब की बात करें तो यहाँ पे आपको 13,000 का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। यानी ट्रैफिक कैसे बढ़ता है ये वीडियो में बताने लगा, वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपको टेंशन है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, न्यू वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड वेबसाइट पे भी ये ट्रिक काम करेगी। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर ये काम कर लिया, आपको 101% बाय गूगल सर्च ट्रैफिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं भी आपने शेयर नहीं करना पोस्ट को, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने लगा जैसे आपको दूसरे लोग कहते हैं जाके कोरा पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। ऐसा कुछ नहीं आपको कहने लगा, कोई बैकलिंक यहाँ पे क्रिएट नहीं करवाने वाला। विदाउट बैकलिंक यहाँ पे आपको वेबसाइट ट्रैफिक दिलवाने वाला हो, वो भी गूगल सर्च के थ्रू। आपके भाई ने लाइव प्रूफ वीडियो के अंदर दिया, आपको दिखाया 4200 ट्रैफिक था, एकदम से 13,000 ट्रैफिक हो गया 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अपने आप बाय गूगल सर्च लाइव प्रूफ के साथ। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपका यार कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियो तो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलो यार बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, अगर बात करें ट्रैफिक को इंक्रीज आपने कैसे करना, बढ़ाना कैसे, ये न्यू वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोर्स भी आया था, सिर्फ यहाँ पे 5 आर्टिकल पोस्ट किए हैं। देखो फर्स्ट पे 118 व्यूज आया, दूसरे पे 564, तीसरे पे 600, चौथे पे 500, और यहाँ पे देखो लास्ट वन पे यानी जो पांचवें नंबर पे लिखा है उस पर 4,000 का ट्रैफिक आ चुका है। तो यार ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, इसके ऊपर ट्रैफिक कैसे आपने लेके आना है, कैसे काम करना है, देखो 9 दिन के अंदर इतना ट्रैफिक आया, सारे का सारा गूगल सर्च से आया, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये ट्रैफिक नहीं आया। तो आपके सामने ये ट्रैफिक आपको शो हो रहा है, तो देखो ये 4,000 का ट्रैफिक यहाँ पे 13,000 व्यूज में चेंज हो चुका है, यानी कि 13,000 व्यूज आ गया है। नीचे वाले पोस्ट देख लो, यहाँ पे 100 व्यूज था, यहाँ पे देख लो आपके सामने 5-600 था, यहाँ भी 600 और यहाँ 500 व्यूज था। तो देख लो अब आपके सामने ये भी व्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, 1600, 1700, 1400 व्यूज या 200 हो गए हैं। तो न्यू पोस्ट भी किए, इस पर भी तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ये रैंक हो जाएगी और इस पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये पूरी साइट है, ठीक है, यानी आर्टिकल इस पर 6 आर्टिकल है। अगर मैं यहाँ पे आपको साइट ओपन करके विजिट करवा दूँ, देखो न्यू साइट है इस पर, यानी कोई ओल्ड साइट भी नहीं है। आपके सामने ये न्यू साइट है बिल्कुल, यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे 6 आर्टिकल है। बार बार आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि टैब्स इस पर न्यू बना रखी है, 6 आर्टिकल है, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, ये आपके सामने 6 आर्टिकल है, ओल्ड आर्टिकल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक की, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा दूँ। देखो साइट किट इस पर कोई ओल्ड इंस्टॉल नहीं है, न्यू इंस्टॉल की है, ज़्यादा देर नहीं हुई इसे इंस्टॉल की है, तकरीबन 1-2 दिन हुआ है। तो यहाँ पे डेटा न्यू शो होगा, ओल्ड शो नहीं होगा। देखो इंप्रेशन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखो 496% बढ़ गया जब से ये इंस्टॉल किया, अभी इंस्टॉल किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ से। 84 क्लिक्स यहाँ गूगल सर्च के थ्रू आए, यूनिक विजिटर्स 1.3K आए यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे अभी तो कोई भी विजिटर नहीं है इस टाइम, रियल टाइम पे जो ऑल यूज़र इस टाइम तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो सोशल मीडिया का यानी डायरेक्ट ट्रैफिक जो बाय लिंक आता है, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। तो ये यहाँ पे आपको 18.8% मिलेगा, यानी 304 विजिटर यहाँ पे बाय सोशल मीडिया आया, ठीक है, यानी कि लिंक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आया, ये सिर्फ यूट्यूब पे मैंने शेयर किया और कहीं पे शेयर नहीं किया। उसके बाद 80.9% यानी 80% का ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ला के आपको दिखा दूँ, 80% ट्रैफिक यहाँ पे ऑर्गेनिक है, जितना कि यह एनालिटिक दिखा रहा है क्योंकि इसे इंस्टॉल किया इतना टाइम नहीं हुआ। अगर पोस्ट पे आ जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 4,000 व्यूज था, ये 13,000 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि आपको ट्रैफिक यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको बताता हूँ। ट्रिक का आपने क्या यूज करनी है, एडिट के अंदर आ जाता हूँ। ब्लॉगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ब्लॉगस्पॉट, तब भी आपको यही काम करना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर अपने आर्टिकल रैंक करवाना है उस पर आपने एसईओ करनी है। अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो यूज्ड एसईओ इंस्टॉल कर लो, अगर वर्डप्रेस नहीं ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो आपने नोटपैड ले लेना, वहां पे एक आर्टिकल लिख लेना। आपने कोशिश ये करनी है कि आर्टिकल आपने खुद लिखना है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, अदरवाइज वो रैंक नहीं होते जल्दी, ठीक है, अगर खुद लिखोगे ज्यादा रैंक करेगा। तो देखो आपके सामने ये पूरे का पूरा आर्टिकल है, इसमें मैंने कीवर्ड जो रैंक करवाया यहाँ पे करवाया राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये इतना कीवर्ड मैंने रैंक करवाया। इस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे टॉप पे भी लिख दिया और यहाँ पे देखो अपनी फर्स्ट हेडिंग में भी इस कीवर्ड को लिख दिया। आपने देख लेना है कि फर्स्ट जो आपका सेंटेंस हो, आपका कीवर्ड हो जिसपे आप रैंक होना चाहते हो, और दूसरा जो पहली हेडिंग है आपकी, ये भी आपका फर्स्ट कीवर्ड होना चाहिए जिसपे आप रैंक होना चाहते हो, फर्स्ट हेडिंग भी आपको वही कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद अपने आर्टिकल के अंदर इस कीवर्ड को आपने यूज करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा, अदरवाइज ट्रैफिक नहीं मिलेगा।
उसके बाद देखो रीडेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका आर्टिकल लोग अच्छा पढ़ते हो यानी पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। पोस्ट व्यूज काउंट यहाँ पे 13,131 आपको दिखा रहा है 37। अगर बात करें मेन चीज जिस पे आपकी पोस्ट रैंक करेगी, जिस वजह से ये सिंगल कीवर्ड के ऊपर मैंने आपकी पोस्ट को रैंक करवाया, आपने भी सिंगल कीवर्ड पे पोस्ट को रैंक करवाना इजी होता है, सिंगल कीवर्ड के ऊपर पोस्ट को रैंक करवाना। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो सिंगल कीवर्ड पे अपनी पोस्ट को रैंक करवाया करो, वो इजी हो जाएगी, ठीक है। डाइट या फिर आपकी न्यू साइट है तब भी सिंगल कीवर्ड पे काम करो। डाइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट ये कीवर्ड है, इस पे आपके भाई ने काम किया, इस कीवर्ड को स्लग के अंदर, ठीक है, ये जो आपका परमालिंक होता है ना ऊपर, देखो अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करके आपको दिखाऊं, ये देखो आपका जो परमालिंक है ना, ये स्लग इसे आप कहते हो, परमालिंक भी कहते हो, ये आपका सेम होना चाहिए, कीवर्ड सेम होना चाहिए, यानी इसमें आपने स्पेस की जगह डैश डाल के यूज करना अपने एज ए परमालिंक, ठीक है। ये स्लग की जगह ब्लॉगर में इसे कैसे लिखते हैं, परमालिंक को कैसे सेट करते हैं, उस पर अलग से वीडियोज में मैंने आपको बता रखा है, तो जाके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको मेन काम दिखाने लगा वो भी आपको बताता हूँ। देखो मेटा स्लग जो मेन मैटर करती है चीज, ये आपका फर्स्ट 150 वर्ड्स जो होते हैं ना वो गूगल की सर्च में आपको शो होते हैं अगर आप ब्लॉगस्पॉट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तब आपको मेटा स्लग में लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 150 वर्ड यहाँ पे इतने यूज किए हैं, तो यानी अपना आर्टिकल की एसईओ के लिए ये वर्ड्स को यहाँ पे रखा है मेटा स्लग के अंदर। अगर आप वर्ड पर अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो अपने आर्टिकल के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, आपने इन 150 वर्ड्स को यूज कर लेना। देखो यहाँ पे आपने इन 150 वर्ड्स को यूज कर लेना तो आपकी एसईओ अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस की बात कर रहे हो, आप वर्डप्रेस पे यूज कर रहे हो तो मेटा स्लग में लिखो अच्छा रहेगा। एसईओ एनालिसिस में आते हो तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या काम करना होता है, अपने आर्टिकल के अंदर आउटबाउंड लिंक ऐड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिंक ऐड किया है, गेट अप्रूव्ड बाय गूगल एडसेंस, यानी कि मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर। ये देखो मेरी दूसरी वेबसाइट है freetipshair.com, ये भी आपके भाई की वेबसाइट है, ये ब्लॉगर पे यूज कर रहा हूँ मैं, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे एडसेंस का अप्रूवल है इस साइट के ऊपर, आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने साइट है मेरी, तो इस पे भी आर्टिकल्स ही लिखे हुए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आर्टिकल्स को रैंक करवाना, आप देख लो कैसे रैंक होते हैं। तो देखो यानी कि कहने का मतलब ये, अपने आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने एक अपना लिंक ऐड करना होता है एक्सटर्नल, यानी अपनी ही किसी और वेबसाइट के या फिर किसी और की वेबसाइट का एक लिंक ऐड करना होता है जिससे आपकी एसईओ अच्छी होती है, वो मैंने ये किया ऐड। तो यहाँ पे बात कर ले और दूसरा क्या चीज मैटर करती है, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स मतलब जो कि मैंने यहाँ पे ये वाला लिंक ऐड किया, यानी कि अपनी ही वेबसाइट का कोई दूसरे आर्टिकल का लिंक आपने उसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐड करना। देखो 1738 व्यूज है इस पे भी, तो काफी अच्छे व्यूज है, ये भी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, सारे गूगल सर्च के थ्रू आए हैं। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल के लिंक जो दूसरे आर्टिकल है आपके, उस आर्टिकल का भी एक लिंक आपने अपनी पोस्ट के अंदर ऐड करना। देखो यहाँ पे इंटरनल लिंक भी ऐड कर दिया, यहाँ पे की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, यानी जो की फ्रेज मैंने रखा ये वाला की फ्रेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे की फ्रेज ये है फोकस कीवर्ड जिसे आप कहते हो, यानी जिस कीवर्ड पे आपने रैंक करवाना, ये फोकस कीवर्ड है, आपने फोकस के अंदर भी रखना है, उसके अलावा आर्टिकल के हेडिंग के अंदर भी आपने इसे यूज करना, मेन हेडिंग के अंदर, और यहाँ पे फर्स्ट आपका सेंटेंस भी यही होना चाहिए आर्टिकल का, और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग भी आपकी यही होनी चाहिए कीवर्ड, ठीक है, तभी आपका आर्टिकल रैंक करेगा उसी सेम कीवर्ड के ऊपर। उसके बाद बात कर ले कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, जो आपने कीवर्ड यूज करना है आपने 4 या 5 दफा यूज करना आर्टिकल के अंदर, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना, वो जरा काम नहीं सही रहता, ठीक है, वो गूगल उसे इग्नोर करता है, तो आपने ज्यादा डेंसिटी में यूज नहीं करना अपना कीवर्ड, 4 से 5 दफा एक आर्टिकल में यूज करना बाद। उसके बाद कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर मैंने ये यूज किया कीवर्ड राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ये कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने यूज करना है। उसके बाद इमेज आर्ट एट्रीब्यूट, जो आपने इमेज वगैरह यूज करनी है अपने आर्टिकल के अंदर, उस इमेज के अंदर भी आपने सेम एट्रीब्यूट यूज करना है। देखो मैंने ये इमेज यूज किया, तो इस इमेज के अंदर भी देखो ये एट्रीब्यूट राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट आर्ट टेस्ट और टाइटल टेस्ट के अंदर आपने इसे यूज करना है, तभी आपका इमेज भी रैंक करेगी, इमेज के थ्रू आपका आर्टिकल भी रैंक कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर ले टेस्ट लेंथ, आपके टेस्ट की लेंथ जो है 300 वर्ड प्लस होनी चाहिए, यहाँ पे हमने 890 वर्ड का आर्टिकल यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आपकी 300 वर्ड से प्लस होनी चाहिए, तो आपने ट्राई करनी है 1000 वर्ड से प्लस ही हो तब बेस्ट रहेगा आपका। एसईओ टाइटल विड्थ, आपके एसईओ का टाइटल जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारा टाइटल इतना ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कम ही वर्ड है, ये तकरीबन 60-70 वर्ड हो गए, इससे ज्यादा नहीं। आर्टिकल की लेंथ आपकी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एसईओ टाइटल विड्थ, जो आपके एसईओ टाइटल दिया आपने उसकी विड्थ ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। कीवर्ड फ्रेज इन स्लग, ये जो मैंने स्लग यूज किया, यानी
जिसे आप परमालिंक भी कहते हो ब्लॉगर के अंदर, तो आपने उसके अंदर भी अपने कीवर्ड को ऐड करना है, तभी ये एसईओ आपकी होगी। एसईओ के थ्रू ही आपके भाई को सारे का सारा ट्रैफिक आता है। अदरवाइज देखो, मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को कहीं भी शेयर नहीं किया, यहाँ साइट किट के अंदर जाकर मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा जो 80% ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, अभी इंस्टॉल किया है फिर आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको सारा ये डेटा शो नहीं कर रहा, यानी इस टाइम अभी कोई यूज़र नहीं है मेरी साइट पे। देखो यहाँ पे 80% ट्रैफिक जो है सारा ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने एसईओ करनी है। एसईओ डिपेंड करती है, बाकी यार जितनी मर्जी जाकर ट्रिक्स देख लो लोगों की, यहाँ पे पोस्ट शेयर करो, वहाँ पे शेयर करो, पोस्ट यार शेयर करने से क्या कर लोगे। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहूँगा, एसईओ करो, तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं एक पोस्ट को रैंक करने में मिनिमम। तो आप 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपकी पोस्ट रैंक हो जाती है, वो लाइफ टाइम रैंक ही रहेगी ना, लाइफ टाइम आपको उसके थ्रू ट्रैफिक मिलेगा। तो इसलिए यार एसईओ किया करो, एसईओ के अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती, एसईओ सीखो, एसईओ करना शुरू करो। एक और बात आपको यही कहूँगा, अगर आपको नहीं पता एसईओ कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट इन वर्डप्रेस, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इस वीडियो को लाजमी से देखना, तभी आपको पता चलेगा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में अगर बताऊंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया है कि ट्रैफिक आता कैसे है, ठीक है, यानी एसईओ करनी है तो ट्रैफिक आना, अदरवाइज नहीं। हर बंदा आपको एसईओ का बताता है लेकिन करके नहीं दिखाता, मैंने इस वीडियो में करके दिखाई है सारी, 13 मिनट की ये वीडियो है, जाके देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर चैनल पे पहली दफा आए हो तो भी कभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन पर प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। आई होप यार आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स कर दो, इस तरह की वीडियोज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक आ सके।